Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of basic electronics. My name is Sayyid Ali Zamin. आज का जो लेक्चर है वो है 2.4, जिसका मतलब है कि लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 4 है. ये जो लेक्चर है लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने खुद को स्प्रिंग 2020 के सेशन में इनरोल किए और जिनके ये वाले सेक्शंस हैं. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता कि लेक्चर्स किस तरह होंगे उनके लिए ये है कि YouTube पे वीडियो अपलोड होती हैं लेक्चर. उसके अलावा easyclass.com पे वो खुद को इनरोल करें, Facebook का पेज लाइक करें और कोई क्वेश्चन हो या असाइनमेंट सबमिट करवानी हो तो ये वाली ईमेल पे मुझे सेंड कर दें. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ कि वही आपको पहले भी बताई हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं लेते, उनको पता भी नहीं है कि लेक्चर अपलोड हो रहे हैं ऑनलाइन. तो वो यूट्यूब का चैनल है जो आपको बताया है उस पर लेक्चर सुन लिया करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने लेक्चर सुना है और कितनों ने कितनी देर सुना है, तो उससे मुझे आइडिया रहता है चीज़ों का. अच्छा, सेकेंडली फेसबुक का पेज लाइक करें. मैं इजी क्लास पे भी चीज़ें शेयर करता हूँ लेकिन उस पर थोड़ा डिले आता है, तो फेसबुक पे ज़रा जल्दी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं और उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहता है. आप मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं पेज पे, इसलिए फेसबुक का पेज सब लोग लाइक करें, यानी ये दो चीज़ें लाजमी आप करें. इजी क्लास पे सब लोग लाजमी खुद को इनरोल करें, उसमें क्लास में पता चलता है ये नाम के स्टूडेंट्स हैं. तो ये यानी तीन चीज़ें मस्ट हैं आपके आपको ना ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपके लिए. अच्छा, फोर्थ चीज़ ये है, ऑफिस आवर्स हैं मेरे ये 7:30 से 8:30, अभी भी वही हैं. लेकिन आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इन्हीं एक घंटे के अंदर ही कॉन्टेक्ट करना है. आप जब मर्जी ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, असाइनमेंट आपकी ड्यू है जो कि कल लास्ट डेट है उसकी, आई गेस 26 थी. तो और लास्टली जो आपको मेन चीज़ कहनी है वो ये है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक ऑनलाइन वाला फॉर्म फिल नहीं किया मेरी क्लास वाला, जिसमें मैंने सेक्शन लिखा हुआ है कि फलां सेक्शन करे, तो और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यानी सिर्फ वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन का फॉर्म फिल किया, वो इस फॉर्म को लाजमी फिल कर दें. ये मैंने इसको क्लोज कर देना है, इसका रिस्पांस एक दो दिनों के अंदर अंदर, फिर नहीं मैं कंसीडर करूंगा और स्टूडेंट्स को. लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और फिर पढ़ा था KVL. इसकी असाइनमेंट भी ड्यू है तो वो भी आप सबमिट करवा दें. आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे सीरीज रजिस्टर, यानी रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में किस तरह लगे होते हैं, और हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन. ठीक है, वोल्टेज डिवीजन. सेकंड जो टॉपिक है वो है पैरेलल रेजिस्टर. पैरेलल में जो है वो रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे और उसमें हम पढ़ेंगे फर्दर करंट डिवीजन. तो बेसिकली आज हमारे चार टॉपिक्स हैं, सीरीज रेजिस्टर, वोल्टेज डिवीजन, पैरेलल रेजिस्टर और करंट डिवीजन. तो ये फोर टॉपिक्स हैं आज के लिए. जो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे वायर डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं आपको समरी एक यानी एक ओवरव्यू सा दोबारा दे दूंगा या कह लें रिवाइज करवा दूंगा चैप्टर 2 क्विकली. ठीक है, समरी होगी उसकी. अच्छा जी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सीरीज रजिस्टर क्या होते हैं, पैरेलल रजिस्टर क्या होते हैं, तो दोबारा आपको बता देता हूँ. जब हमने नोड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, नोड्स का, लूप्स का, तो मैंने बताया था ये एक ब्रांच है, जिसे रजिस्टर को एक ब्रांच कहते हैं. तो ये एक नोड्स के साथ अगली ब्रांच के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है. अगर एक ही दोनों के बीच में एक ब्रांच और उस एक ही नोड हो और उस नोड के साथ कोई भी और कनेक्ट ना हो, यानी देखें सिर्फ इस नोड के साथ दो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं, तो इसको कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है. ठीक है, यानी इस नोड के लिहाज से ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है. ठीक है, पैरेलल में आपको ये बताया था मैंने कि पैरेलल इस तरह का होता है कि जिसके पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, हम ऊपर वाले को पॉजिटिव कहते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव कहते हैं. तो ये मैंने दो रजिस्टर बनाए हुए हैं इनके, ये देखें, ये एक, ये नोड एक ही है ना, यानी ये
दोनों एक इस नोड से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ तो ये हमें देख के लग रहा है कि सीरीज में है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये एक और इसी नोड के साथ एक और कनेक्ट होता था। यहाँ हमने क्या कनेक्ट किया होता था, सोर्स कनेक्ट होती थी हमारी, ठीक है। तो यानी एक थर्ड चीज भी आ जाती थी, थर्ड ब्रांच भी आ जाती थी उसी नोड के साथ, जिसकी वजह से ये क्या रहते थे, ये रहते थे पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल हो जाते थे, ठीक है। यानी एक नोड पे, ये एक नोड है, इस पे रजिस्टर 1 भी कनेक्ट है और रजिस्टर 2 भी कनेक्ट है और इस पे बैटरी भी कनेक्टेड है। तो एक नोड पे तीन चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अब पैरेलल में हो गया। इसीलिए ये नीचे वाली नोड को भी सारे को हम एक ही नोड कंसीडर करते हैं। तो देखें, इस नोड पे भी तीन चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो जब तीन चीज़ें होगी तो वो पैरेलल रह गया। अब क्या है कि ये रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 जो है ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। अब आपको ये, अगर मैं कहूँ कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, या मैंने एक रजिस्टर बनाई है और ये एक रजिस्टर बनाई है, तो फिलहाल इतने सर्किट में देखेंगे तो ये सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक ही नोड है और उस नोड के साथ कोई और चीज, तीसरी चीज कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप बताएं मुझे, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट कर दी, अब मुझे बताएं कि ये पैरेलल में है या सीरीज में। तो आप कहेंगे जी कि ये पैरेलल में है क्योंकि एक नोड पे तीन आ गए हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल में हो गया। समझ लगी, सीरीज में और पैरेलल में डिफरेंस आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो सारा इसी पे बेस कर रहा है, सीरीज पे और पैरेलल पे। अच्छा जी, अगली स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अगली स्लाइड में है, एक हमें डायग्राम गिवन है ये वाली, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि ये सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, ये रजिस्टर R1 और R2 सीरीज में है या पैरेलल में है। तो जो मैंने आपको पीछे फार्मूला सा एक बताया कि एक नोड से कनेक्ट है और कोई और तीसरी चीज कनेक्ट नहीं है, तो बेसिकली R2 और R1 क्या है, ये सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है सीरीज रजिस्टर और वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। सीरीज की मैंने आपको एक तो नोड वाला बता दिया, दूसरी बात जो आपको मैंने बताई है वो ये बताई है कि दूसरी बात आपको, हाँ दूसरी बात ये बताई थी मैंने कि जब जो वोल्ट सीरीज में चीजें कनेक्टेड होती हैं ना, तो उनमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, करंट सेम रहता है। ये बात याद रख लें कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट सेम रहता है। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है या ड्रॉप होता है और करंट क्या रहता है, सेम रहता है। यानी ये जो करंट आई है, ये वाला करंट इस पूरी लूप में से गुजरेगा, लूप का तो अब आपको पता चल गया ना, इस सर्किट में कितनी लूप है, एक ही लूप है। तो इस लूप में से जब गुजरेगा तो करंट इसमें सेम रहेगा, यानी 1 एम्पेयर इधर भी, अगर 1 एम्पेयर गुजर रहा है तो 1 एम्पेयर इधर ही होगा। लेकिन वोल्टेज अगर 5 वोल्ट था, ठीक है, तो कुछ R1 में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर है ना, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, मैं कहता हूँ 3 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया, और फिर R2 में ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, वो वाला फार्मूला, KVL वाला, कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता था, कि टोटल सम ऑफ वोल्टेज जो होता है ना एक लूप में, वो 0 के इक्वल होता है। तो 5 से माइनस करते हैं, -3 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें याद रख ली आपने, एक चीज याद रखी कि ये सीरीज किस तरह होता है, और दूसरी चीज आपने याद रख ली कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जो चीज ड्रॉप होती है ना एक सर्किट में, हम उसी को ही चेक करते हैं। जिस तरह अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीरीज में क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अभी सीरीज रजिस्टर के बाद, वो होगा वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। सीरीज को आपने वोल्टेज डिवीजन से कनेक्ट करना है, कि वोल्टेज डिवीजन वाला टॉपिक होगा,
और अगर पैरेलल रजिस्टर हो तो उसको आपने करंट डिवीजन से याद रखना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीरीज रजिस्टर है और वोल्टेज डिवीजन का पढ़ेंगे टॉपिक। अब हम पढ़ रहे हैं सीरीज में कि सीरीज रजिस्टर क्या होते हैं। अब देखें जी कि सीरीज का तो आपको पता चल गया, ठीक है, सीरीज का आपको पता चल गया। अब आपसे ये केवीएल वाला क्वेश्चन था, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है, जिसको केवीएल का नहीं पता तो वो पहले लास्ट जो इससे पहले लेक्चर हुआ था वो वाला पढ़ ले। तो हमने देखा था कि यहाँ से हम स्टार्ट करते थे, प्लस से इधर जाते थे, नीचे आके इधर से जाके इधर, तो हम कहते थे फिर इसको जितने रास्ते में वोल्टेज है वो सारे हम ऐड करते थे केवीएल में और उनको जीरो के इक्वल कर देते थे। ठीक है, वही हम काम दोबारा कर रहे हैं। यहाँ से हम उसने ना यहाँ से स्टार्ट किया। मैं दोबारा रेज करके आपको बता देता हूँ। इस डायग्राम में ना उसने कहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये ऊपर गया और यहाँ से नीचे और फिर इधर आना है। तो जब नीचे से यहाँ इस स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस का साइन, तो इसलिए उसने सबसे पहले माइनस लिखा और आगे जो वोल्टेज आ रहा था वी वो लिख दिया, माइनस वी लिख दिया। इसको ऐड कर रहे हैं अगले वोल्टेज में। अगला वोल्टेज कौन सा आ रहा है, जहां ब्रांच आ रही है, कोई भी ब्रांच आ रही है, आर वन। आर वन में पहला साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो उसने इधर प्लस लिख दिया और उसका नाम क्या है, वी वन। तो फिर उसने उसके साथ क्या लिख दिया, वी वन। इसी तरह अगले साइन पे गए, अगले ब्रांच पे, अगले ब्रांच का पहला साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखा, फिर आगे लिख दिया वी टू इजिकल टू जीरो। ठीक है, यानी सारे वोल्टेजेस को ऐड किया और उसको इक्वल कर दिया जीरो के। ये कौन सा फॉर्मूला था, के वी एल का, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अब उसने फर्दर इसको एक्सपेंड किया, बस यानी ये वाला फॉर्मूला आपको बनाने आ गया अगर आपको के वी एल आता है तो, और अभी भी अगर समझ आ गया तो ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है अगली क्वेश्चन में, कि उसने ये कहा कि V को एक तरफ ले गया और दूसरी तरफ बाकी चीजें ले गया, यानी V वन प्लस V टू। तो उसने ये कहा कि V V इज इक्वल टू V वन प्लस V टू। ठीक है, अब आपको ये पता है ओहम लॉ हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, I क्योंकि इसमें सेम रहता है, अभी आपको मैंने बताया कि करंट सेम रहेगा वोल्टेज चेंज होगा, तो I क्योंकि सेम है तो V वन का फॉर्मूला क्या होगा, I V इक्वल टू आई आर होता है, तो वी वन का क्या बनेगा, आई आर वन। ठीक है, क्योंकि आर वन के लिए हम चेक कर रहे हैं। इसी तरह वी टू का क्या बनेगा, आई वही रहेगा लेकिन रजिस्टर चेंज हो गया, आर टू हो जाएगा। ठीक है, ये आर टू, ये आर वन, V यानी V इक्वल टू आई आर। तो हमने वोल्टेज ऐड करने है ना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो हमने आई आर उसकी जगह V इक्वल टू आई आर लिख दिया। अब आई उसने यहाँ कॉमन ले लिया और आर वन प्लस आर टू लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब हम नीचे आए, नीचे आके वो क्या कर रहे हैं कि उसने आई को एक साइड पे लिख दिया, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर वन प्लस आर टू के। ठीक है, ये एक उसने फार्मूला बना दिया। अब आप इससे कई फार्मूलाज बना सकते हैं, आप वी को उधर ले जाएं, आर वन आर टू को उस साइड लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो आप इससे कई फार्मूलाज बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो जो अब देखें कि नीचे जो ये फार्मूला बना है, ये जो चीज है आर वन प्लस आर टू, ये क्या है, देखें वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई किसके इक्वल होगा, आई होगा वी वी ओवर आर के, ऐसे ही है V ओवर R। अब R क्या है, यहां तो एक R है और नीचे तो यहां उसने R वन प्लस R टू फार्मूला हमारा बन गया था, तो इसका ये मतलब है कि ये R इक्वलेंस है। R इक्वलेंस का मतलब है कि उस पूरे सर्किट की इक्वली कितनी रेजिस्टर है, उस पूरे सर्किट की रेजिस्टर को उसने लिखा है, रेजिस्टेंस को, तो वो क्या है आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आर इक्वलेंस किसके इक्वल है, आर वन प्लस, यानी मैं आर वन प्लस आर टू को कह रहा हूँ वो इक्वल है आर, वो इक्वल है आर इक्वलेंस के, आर ई क्यू लिखा हुआ है ये।
तो और इससे हमें ये पता चला कि रजिस्टर जो सीरीज में रजिस्टर होते हैं ना, सीरीज में, ये सीरीज में थे ना दोनों, R1 R2 सीरीज में थे। इससे हमें ये पता चला कि R इक्वलेंस फाइंड करनी हो सीरीज में तो क्या करते हैं, सिंपली उन रजिस्टर को ऐड कर देते हैं। यानी R इक्वलेंस किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के, R इक्वलेंस पता चल गया। अब आपको इस पूरे ये जो मैंने कहानी सुनाई है इसमें आपको ये बस अभी तक पता चला है कि जब सीरीज में रजिस्टर होती है ना लगी हुई, तो उनकी मैं आपको कहूँ आर इक्वलेंस कितनी होगी, यानी उन दोनों को ऐड करके मुझे बताएं कि, या इक्वलेंस का मतलब होता है उसके इक्वल, पूरे सर्किट के इक्वल कितनी रजिस्टर होगी। तो आप मुझे बताएंगे कि जी R1 वो जो रजिस्टर है ना उन सबको ऐड कर देना, यानी R1 प्लस R2 कर देना, R1 प्लस R2। अगर मैं कहूँ कि इस ये जो सर्किट है ऊपर गिवन, इसमें मुझे बताएं कि अगर R1 इज इक्वल टू 5 है और R2 इज इक्वल टू 3 है, तो इस पूरे सर्किट की R इक्वलेंस कितनी होगी। आप देखेंगे कि ये जो है ना सीरीज में लगे हुए हैं तो बड़ा आसान है, 5 प्लस 3 कर दें 8 बनता है, तो इस सर्किट की जो R इक्वलेंस है ना वो 8 है। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे तो एक फार्मूला ये वैसे भी बता सकते थे कि जी रजिस्टर में जो सीरीज में जो रजिस्टर लगे होते हैं उनकी आर इक्वलेंस क्या होती है, R1 प्लस R2 के, लेकिन इसको ये सारे जो ऊपर प्रोसीजर किया ना ये प्रूव करने के लिए किया हुआ है कि ये देखें, पहले हमने KVL लगाया, KVL से हमने ये एक फार्मूला बनाया, इस फार्मूले के थ्रू ओहम लॉ वाला फार्मूला बना, उसके थ्रू हमने देखा कि आर इक्वलेंस जो है ना वो R1 प्लस R2 के इक्वल आ रही है, और ये वाला जो फार्मूला बना है ये बना है सीरीज सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये आपको अब याद होना चाहिए कि जहाँ भी सीरीज में रजिस्टर लगे हों अगर आपको कहा जाए कि उनकी आर इक्वलेंस बतानी है तो आप क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे सिंपल। तो ये देखें, यहाँ दो रजिस्टर थी, उसने उसकी जगह एक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी टोटल आर इक्वलेंस की कितनी रेजिस्टेंस होगी, 8। यानी अगर पहले की 5 थी और अगले की 3 थी, या पहले की 3 थी अगले की 5 थी, तो उनकी आर इक्वलेंस कितनी हो गई है, 8 हो गई है। सही है, पता चल गया, सीरीज में आपको पता चल गया कोई किस तरह सर्किट को चेंज करते हैं। देखिए, आप पहले सर्किट में दो बने हुए थे, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इस सर्किट को ना आर इक्वलेंस फाइंड करके बताएं, तो आपने क्या करना है, इस तरह एक आर भी लिख सकते हैं, वो दूसरी आर को साफ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ अब R1 R2 नहीं रहेगा बल्कि R इक्वलेंस रहेगा। ये सर्किट था और देख लें R इक्वलेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया आपको। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि सीरीज रजिस्टर जो होते हैं उनको ऐड करें या उनकी R इक्वलेंस फाइंड करें तो वो क्या होती है, R1 प्लस R2 फार्मूला होता है। हमें अभी तक ये पता चल गया कि KVL को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये ठीक है, अभी ये एक वही जनरल सा, ये अब हमारा है अगला टॉपिक जिसमें आपको मैंने कहा था कि बताऊंगा वोल्टेज डिवीजन। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये है वोल्टेज डिवीजन वाला, ये उसका नीचे उन्होंने फार्मूला दिया, लेकिन उससे पहले इक्वलेंस रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑफ एनी नंबर ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जो सीरीज में होते हैं वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर, यानी एक एक रेजिस्टर के सम के लिए। अगर 10 20 भी लगी हो ना सीरीज में, तो आर इक्वलेंस क्या होगी, सारी रेजिस्टेंस को ऐड करने है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन RN तक जाना है। तो ये देखें समेशन का साइन है, जो रजिस्टर 1 से स्टार्ट होके N, कोई भी नंबर हो सकता है 10 20 30, जितनी भी रजिस्टेंस लगी हुई है अगर सीरीज में उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो अब आपको ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह। अब अगली चीज पे आते हैं, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इतना सा है, ये देखें उसने क्या कहा हुआ है, V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2, वही जो जितने भी रजिस्टर आए थे या R इक्वलेंस जो आई थी उसको मल्टीप्लाई किया V के साथ। अब इसको देखते हैं क्या है, देखें V1 है यहाँ, यहाँ V1 है और इधर R1 है, इधर V2 है और इधर R2 है। ठीक
ठीक है, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, वी के साथ। ये फार्मूला थोड़ी देर याद कर लें, या इसको जनरल देखें, जनरली क्या फार्मूला बन रहा है। यहाँ वी वन था तो यहाँ आर वन था, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ वी टू होगा तो यहाँ क्या होगा, आर टू होगा। इधर वी थ्री होगा तो इधर भी आर थ्री होगा। तो ये जनरल एक फार्मूला आपको पता चल गया। और नीचे क्या होता है, जितनी भी सीरीज में रेजिस्टर होती हैं उन सारों को ऐड कर देते हैं, जितनी भी 1 2 3 4 5 जितनी, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज के साथ। सही है। अब उस फार्मूले को मैं बताता हूँ। ये हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है जिसमें हम अभी पढ़ने लगे हैं, वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन का जो फार्मूला है वो हमने अभी देख लिया पीछे के वी वन इज इक्वल टू। अब वी वन का क्या मतलब है, अगर आपको ये वाला सर्किट गिवन हो और आपसे कोई कहे कि भाई मुझे बताओ कि वी वन के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यानी ये आर वन जो है ना, यानी ये जो सर्किट इतने से हिस्से में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर कोई आपको कहे कि यहाँ 5 वोल्ट्स हैं और इधर हमें नहीं पता कितने वोल्ट्स हैं, हमें रेजिस्टर की वैल्यू पता है, रेजिस्टर आर वन की वैल्यू 3 है, आर टू की वैल्यू 5 है, और आई की वैल्यू हमें इसमें नहीं चाहिए। तो कोई आपको कहे कि मुझे बताओ कि वी वन के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी ये सर्किट है ना, कोई आपसे पूछे कि V1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आपने क्या करना है, वो वाला वोल्टेज डिवीजन वाला फार्मूला लिखना है। V1 के अक्रॉस उसने क्वेश्चन पूछा V1 का, तो आपने लिखना है V1 इज इक्वल टू R1, ठीक है। R1 की क्या वैल्यू हमने रखी है, 3, डिवाइडेड बाय जितनी भी सीरीज में रजिस्टर आ रही है। यहाँ दो आ रही हैं R1 और R2, तो R1 प्लस R2 3 प्लस 5 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल, और R1 की क्या वैल्यू थी, 3। तो बेसिकली V1 वोल्टेज जो है, अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया था उसने, वी के साथ, और ये वी है यानी जो मेन हमारी सोर्स है, 5 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 1.9 समथिंग बन जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 8, तो ये शायद 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो यानी मैं 2 अगर कहता हूँ, 16 के इक्वल हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ 2, यानी तकरीबन इसमें ना V1 में तकरीबन 2 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो अगले का भी वैसे मैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि उसमें 3 ड्रॉप हो रहे हैं, 3 वोल्टेजेस, लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं। अगले का क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू R2, R2 क्या था, R2 था 5, 5 को डिवाइड किसके साथ करना है, जितने भी सीरीज में रजिस्टर लगी हुई हैं, 2 लगी हैं और उनको टोटल ऐड करें तो 8 बनता है, और मल्टीप्लाई करना था V के साथ, V की वैल्यू क्या थी, 5, तो ये क्या बन जाएगा, 25/8। तो ये वही देखा ना, ये तकरीबन बन रहा है 3, ठीक है, ये 3 बन रहा था, वो पहले वाला V1 का बन रहा था 2, तो देखें 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी टोटल वोल्टेज का इक्वल है, या ये माइनस 5 हो गया, वो प्लस 5 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 5, 0 के, यानी माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। ये आपको KVL भी इससे पता चल गया, इससे आपको ये भी पता चल गया कि वोल्टेज डिवीजन क्या होती है, इससे आपको ये भी पता चल गया कि सीरीज रेजिस्टर क्या होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। जितना अभी हमने पढ़ लिया है इतना ही आगे लेक्चर चलना है, अभी हमारा आधा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको थक गए हैं थोड़ी देर, तो आप इस वीडियो को रोक के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और फिर दोबारा आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि आपने थोड़ी सी ब्रेक ले ली है और दोबारा वापस आ गए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल रेजिस्टर, ठीक है। जो फोर्थ और लास्ट टॉपिक होगा वो होगा करंट डिवीजन का। आज हम 4 टॉपिक्स कर रहे हैं जिसमें से 2 हमने कर लिए हैं और 2 हम अभी करने लगे हैं, तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे ये 2 टॉपिक्स करने में, ठीक है।
तो 20 मिनट के लिए थोड़ा अपना दिमाग को थोड़ा इधर ही रखें। अच्छा, ये देखें, आपको मैंने अभी पैरेलल की भी एग्जांपल दी थी कि यही वाला सर्किट, बल्कि मैंने ना स्लाइड के अभी शुरू शुरू में बनाया था, इस लेक्चर के शुरू में ये वाला सर्किट बनाया था। इसमें देखें, आपको लग नहीं रहा ये दो नोड्स हैं, एक दोनों वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये R1 और R2 क्या एक दूसरे के पैरेलल में। ठीक है, R1 और R2 क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल, R1 R2 पैरेलल में है। तो अब हम देखेंगे पैरेलल सर्किट का क्या फार्मूला होता है, कि अगर कोई आपको यहाँ आके कह दे कि भाई इनकी R इक्वलेंस मुझे फाइंड करके दो, मुझे ये बताओ कि अब देखें इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, पहले वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, अब क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। करंट इधर से आता है KCL वाला जो हमने पहले पढ़ लिया, करंट इधर आके सोचते हैं मैंने नीचे जाना है या अभी आ गई अगल यहाँ सीधे ही जाना है या मैंने नीचे जाना है। तो करंट क्या करता है, जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है ना, वो बेसिकली उधर जाता है। ये एक याद रख लें कि जहाँ भी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट हमेशा उधर फ्लो करता है। तो हम कहते हैं कि करंट ना डिवाइड हो जाता है, कुछ करंट यहाँ से नीचे आ जाता है, कुछ करंट आगे चले जाते हैं। तो करंट डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक, करंट डिवीजन वाला। तो पैरेलल में करंट क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। उसका ये मतलब है कि R1 के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज है जितना R2 के अक्रॉस वोल्टेज है, उतना ही वोल्टेज V के अक्रॉस है। तो यानी अगर यहाँ V की वैल्यू वही 5 है, तो इसका यह मतलब है कि यहाँ मैं V1 लिखूंगा ना, तो V1 की वैल्यू भी 5 होगी, और यहाँ V2 लिखूंगा तो V2 की वैल्यू भी 5 होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये इतना आपको पता चल गया, करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम रह रहा है। अब हमने देखना है कि पैरेलल में आर इक्विवेलेंस को किस तरह फाइंड करते हैं। उसका अगेन वही लिख लिया कि बी जो है वो, यहाँ मैंने आपको ये भी बताया है कि पैरेलल में जो है ना वोल्टेज सेम होते हैं, यानी जो इतना वोल्टेज है यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है। तो ये जो उसने लिखा ना, वी इज इक्वल टू I1 R1, यानी I1 ये और R1 ये, तो उसका ये मतलब है कि जो यहाँ वी उतना ही 5 वोल्ट्स हैं, और यहाँ भी 5 वोल्ट्स हैं, और इधर भी 5 ही वोल्ट्स होंगे। ठीक है, तो यानी V की वैल्यू I1 R1 के भी इक्वल है, V की वैल्यू I2 R2 के भी इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, इन दोनों की इसके इक्वल है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो उसने एक फार्मूला बना लिया, उसने कहा कि I1 किसके इक्वल होगा, V/R1 के। ये ऊपर से नीचे उसने ये फार्मूला बना लिया। इसी तरह V किसके इक्वल होगा, I I सॉरी I2 किसके इक्वल होगा, V/R2 का इक्वल होगा। तो जी अब क्या करना है, यहाँ KCL लगाना है, क्योंकि यहाँ पैरेलल में सर्किट है, करंट डिवाइड हो रहा है, जहाँ करंट डिवाइड हो रहा हो वहाँ KCL लगाते हैं, जहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा हो वहाँ KVL लगाते हैं। तो यहाँ KCL लगाना है, पीछे हमने लगाया था KVL, अब इस स्लाइड में हम लगा रहे हैं KCL, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। तो KCL उसने लगाया, तो KCL में आपको पता है कि जितना करंट एक नोड पे इंटर हो रहा है और जितना लीव कर रहा है वो इक्वल होता है। तो ये एक नोड थी, ये इस पे करंट कौन कौन से आ रहे हैं वो एक साइड पे लिख दिए, सिर्फ I करंट आ रहा है, और कौन कौन से इससे जा रहे हैं एग्जिट कर रहे हैं वो है I2 और I1। तो I2 और I1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, इसको जब ऐड किया तो ये एक और इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास ये भी इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशंस बन गई हैं। इसको उसने ना पुट कर दिया इस वाली में, यानी आई की जगह ना उसने ये वाली इक्वेशन को वो पुट कर दिया उसने, यानी। ठीक है, अच्छा अब देखें कि वी आई की क्या वैल्यू है, V/R1 + V/R2, सही है, यानी आई आई की क्या वैल्यू है, I1। तो I1 किसके इक्वल है, V/R1 के। तो I1 + I2 उसने लिखा है, यानी यही जो इक्वेशन है ना, I1 की वैल्यू उसने लिखती V/R1, और I2 की वैल्यू लिखती V/R2 के। तो V इसमें कॉमन ले लिया, और 1/R1 + 1/R2, तो I की क्या वैल्यू बन गई, V/R इक्वलेंस के। तो यहाँ R इक्वलेंस क्या आ रही है, यहाँ R इक्वलेंस आ रही है 1/R1 + 1/R2। ठीक है, जिस तरह सीरीज में आर इक्वलेंस आ रही थी R1 + R2, लेकिन पैरेलल में आर इक्वलेंस क्या आ रही है,
पैरेलल में आ रही है, 1/r1 प्लस 1/r2। पता चल गया। अब आपको कोई भी पूछे कि पैरेलल में आर इक्वलेंस क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जितनी भी रेजिस्टर लगी हुई है ना पैरेलल में, उनको 1/r1 से ऐड करना है। यानी अगर यहाँ तीसरी भी लगी होती, इधर एक और रेजिस्टर लगी होती, तो उसका क्या फार्मूला बन जाना था, 1 + 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, चौथी लगी होती तो प्लस 1/r4। इस तरह पैरेलल में जितनी भी लगी होती हैं वो 1/ करके आपने लिखनी होती हैं। तो आर इक्वलेंस का क्या फार्मूला बन गया, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वलेंस इसको इस तरह लिखते हैं, इसको आर इक्वलेंस नहीं लिखते। यानी आपने ये नहीं लिख देना कि आर इक्वलेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस, आपने लिखना 1/r इक्वलेंस इज इक्वल टू 1/r इक्वलेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको सॉल्व करें, वो जो एलसीएम वगैरह लेते थे, तो यहाँ नीचे क्या होगा, r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो ये उसने एलसीएम लेके ये वाला फार्मूला बना दी। तो ये फाइनल फार्मूला है, ठीक है, आर इक्वलेंस फाइंड करने का ये फाइनल फार्मूला है। ठीक है, अब आप 1/r इक्वलेंस का, अब अगर आपको मैं कहूँ कि आर इक्वलेंस बताएं, तो आपने जो नीचे है उसको ऊपर लिख देना है, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देना है और उसको उधर कर देना। तो जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा कि ऊपर मल्टीप्लाई करनी है सारी रेजिस्टेंस और नीचे ऐड करनी है। तो ये एक फाइनल फार्मूला है पैरेलल में। सीरीज में आपको बहुत आसान था, सीरीज में था सारी रेजिस्टेंस को ऐड करना है, यानी R1 प्लस R2, और पैरेलल में क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे ऐड करना है। ये याद कर लें, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, याद हो गया। तो आर इक्वलेंस उसने क्या बताई है, इक्वलेंस रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल रेजिस्टर में किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऊपर, डिवाइड किसके साथ करते हैं, उनके सम के साथ। तो ये एक जेनेरिक फार्मूला लिख दिया उसने 1/r इक्वलेंस का, 1/r1 r2 r3 जितनी भी लगी होंगी। तो आर इक्वलेंस का उसने क्या लिख दिया कि ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड। अच्छा, ये एक और इसी को ही देखें, तो इसका ये जो टॉपिक है ना, ये सेकंड टॉपिक है, सॉरी लास्ट टॉपिक है, फोर्थ वाला, करंट डिवीजन वाला, करंट डिवीजन वाला। इसमें देखें करंट डिवाइड हो रहा है, ये करंट इधर से आ रहा था, डिवाइड हो गया, कुछ आगे चला गया, कुछ ग्राउंड की तरफ चला गया, कुछ ग्राउंड की तरफ चला गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमें वही ओहम लॉ, मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ओहम लॉ लिखा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर है आर इक्वलेंस के बराबर, आर इक्वलेंस हमने फाइंड कर लिया था, उसका ये वाली वैल्यू आ रही थी। ठीक है, आई निकाल दें इसमें, तो बाकी जो भी है ना वो आर इक्वलेंस है। तो आई, अब यहाँ I1 लिखना होगा तो क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू V1 ओवर V ओवर R आ रहा था ना, V ओवर R1। ठीक है, तो यहाँ अगर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू बन जाएगी R2 ओवर R1 प्लस R2 के। ठीक है, सही है। इसी तरह I2 की क्या वैल्यू होगी, अब देखें यहाँ उल्टा है, यहाँ I1 है तो इधर क्या है, I2 है, I2 है ऊपर, I2 इधर, I2 है तो इधर R1 है। ये थोड़ा उल्टा है, जिस तरह पैरेलल में था सीरीज में, यहाँ V1 था तो इधर R1 था, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ I1 है तो इधर I2 है। ठीक है, अगर इधर अगर I3 होता तो फिर क्या होना था, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाना था, यानी अगर I2 होता ना तो इधर आना था R1 और R3 मल्टीप्लाई होने थे और नीचे ऐड होने थे, R1 नीचे सारे ये ऐड हो जाने थे, R1 R2 R3 और मल्टीप्लाई I के साथ हो जाने थे। ठीक है, तो ये था करंट डिवीजन का फॉर्मूला। अब इसको देखें कि ये आपको मैंने ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मैंने आपको बताया था जीरो रेजिस्टेंस होती है, यानी उसमें रेजिस्टेंस होती नहीं है,
ये शॉर्ट सर्किट है। ओपन सर्किट जो होता है उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, इसमें से करंट ही नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इनकी। ठीक है, तो ये एंड पे जो आपने फार्मूला करंट डिवीजन वाला याद रखना है, जो पैरेलल में लगे होते हैं, कि अगर आपसे कोई पूछे कि I1 में से कितना करंट गुजर रहा है, वो जो पीछे डायग्राम थी, यानी इसमें से ये कितना करंट गुजर रहा है, अगर मैं वही डायग्राम इधर बना दूँ, ये वो थी वोल्टेज सोर्स, तो मैं आपसे पूछूं I1 कितना है, तो आपने I1 का फार्मूला लिखना, I1 इज इक्वल टू R2 और सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि अगर ये भी कनेक्टेड है और यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ, तो मैं पूछूं कि I2 की क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे R1 डिवाइडेड बाय सारे रेजिस्टेंस और उसको मल्टीप्लाई कर देना I के साथ, I की ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपको करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन और सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट पता चल गए हैं। अब ये एक एग्जांपल है सीरीज पैरेलल की। अब देखें ना, इसमें सीरीज है ना पैरेलल है, बल्कि दोनों है, यानी इसमें दोनों ही है, सीरीज भी है और पैरेलल भी मिक्स करके दे दिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सिंपल, अब मैंने इसमें ये क्वेश्चन है कि मुझे आर इक्वलेंस बताएं, कि इस सर्किट की आर इक्वलेंस क्या है। कितना आसान तरीका है कि आप देखेंगे कि ये 1 जो और 5 है, ये आपस में क्या है, एक ही नोड के साथ कनेक्टेड है, कोई तीसरी चीज नहीं है, तो ये दोनों जो है ना आपस में ये जो दोनों है ये सीरीज में है, तो जब कोई सीरीज में होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी मैं अगर ये भी कर सकता हूँ कि मैं ना इसको खत्म कर दूं, ये बिल्कुल सीधा, ये यानी ऐसे बना दूं, 1 मिनट, मैं इस तरह बना देता हूँ, ये सीधा यानी शॉर्ट हो गया। अब 1 + 5 इज इक्वल टू 6, तो मैं इसकी जगह 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर देखूंगा कि कौन से अब सीरीज में है, कौन से पैरेलल में, तो मुझे आसान आसान जो नजर आ रहे हैं ना, वो ये 3 और 6 जो है ना पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो पैरेलल का मुझे फार्मूला पता है कि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जितनी भी रेजिस्टेंस होती है उनको ऐड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ 6 × 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9 2, तो यानी 2 आंसर आता है, तो मैं इधर खाली 2 भी लिख सकता हूँ, इधर 2 लिख दिया और इन दोनों को रेज कर दिया। अब ये और ये जो है ये सीरीज में होंगी, तो इनको ऐड कर दूंगा। इस तरह जो है ना सर्किट को आपने सीरीज पैरेलल में सॉल्व करना है। अब इसको देखते हैं उसने किस तरह किया हुआ है, कि वही देखेंगे 6 और 3 क्या थे, पैरेलल में थे, पैरेलल का ना ये वाला साइन होता है, पैरेलल में थे, तो ऊपर उसने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया, 2, जो अभी आपको बताया था। तो आप इसको खत्म करके यहाँ एक और रजिस्टर बना सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। फिर मैंने बताया था ये 1 और 5 क्या है, पैर सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते थे, ऐड करते थे। अब फिर फर्दर उसको सॉल्व करें ना, तो यहाँ 2 था और यहाँ भी ये यह देखें 2 है, तो ये सीरीज में है, 2 और 2, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो ये 4 आ गया, तो एक और सर्किट बन गया इस तरह का। ये मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ 6 आ गया और इधर 2 आ गया। अब ये दोनों सीरीज में है, इनको ऐड कर लेंगे, 4 आ जाएगा, तो एक सर्किट बन जाएगा। उसने बनाया नहीं है यहाँ, यानी यहाँ इस सारे को लेके ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ सिर्फ 4 4 है रेजिस्टेंस, ये 2 2 नहीं है, 4 है। तो अब देखें 4 और ये 6 क्या है, पैरेलल में है, ये वाला 4 रेजिस्टेंस और ये 6 रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, तो इनको पैरेलल वाला फार्मूला लगाया, मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर दिया, तो ये 2.4 आ रहा है। अब कितने रह गया, 2.4 को अलहदा लिख लिया, यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या आ गई, 2.4। अब देखें ये इसके भी सीरीज में है, क्योंकि इसके दरमियान एक ही नोड है, कोई तीसरी चीज नहीं है, और इसके दरमियान भी एक नोड है, तीसरी चीज नहीं है, तो ये सारे सीरीज में आपस में, सीरीज में क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करेंगे, ये जिस तरह इसने यहाँ किया है, 4 + 2.4 + 8, तो ये 14.4 आंसर आ रहा है। 14.4 क्या है, आर इक्वलेंस है इस पूरे सर्किट की। इस तरह जो है आपने
हाँ, रिकरेंस फाइंड करनी होती है जब आपको सर्किट दे दिया जाए जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स हों। इस सर्किट की मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या है, फिर आप खुद ही देख लेना। मैं आपको ये बताता हूँ कि जी ये 4, 5 और 3 क्या है, आपस में सीरीज में है। सीरीज में होंगे तो यहाँ एक रजिस्टर आपने इस तरह बना देनी है, ये सारा खत्म कर देना। 4 + 5 = 9, 9 + 3 = 11। तो यहाँ एक रजिस्टर आएगी जिसकी वैल्यू होगी 11, और उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, यहाँ उसने वैल्यू नहीं नहीं सॉरी दी हुई है, 4 है। ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू 4 है, तो 11 और 4 क्या है, आपस में पैरेलल में है। फिर उनको सॉल्व करेंगे 11 और 4 को, फिर एक एक अलहदा रजिस्टर इस तरह बन जाएगी जिसकी कोई वैल्यू आएगी। फिर उसको देखेंगे वो 3 के साथ क्या है, सीरीज में है। 3 को सीरीज में करेंगे तो फिर आप एक और रजिस्टर बना देंगे, और बाकी सारा सर्किट पीछे से खत्म होता जा रहा है, यानी ये सर्किट सारा खत्म होता जा रहा है, आपकी फाइनल आउटपुट आती जा रही है। अब यहाँ जो भी आपका कोई आंसर आएगा वो 6 के, इस 6 के साथ, यानी इस रजिस्टर की वैल्यू 6 है तो इसके साथ वो पैरेलल में होगा। पैरेलल वाला दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो पीछे सारा सर्किट खत्म हो के वो सॉरी स्लाइड आगे हो गई, वो सारा सर्किट खत्म हो जाएगा, और फिर आप इस तरह ग्रेजुअली ना एक एक चीज को सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, ये दोबारा मैंने रिवाइज की हुई है, कुछ स्लाइड्स 4-5 हैं जिसमें आपको आज का लेक्चर जो है दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, कि आज के लेक्चर में हमने सीरीज रजिस्टर पढ़े हैं। ये देखें, 2 सीरीज में है, ठीक है। और V1 का क्या फार्मूला था, I1 R1, V2 का क्या फार्मूला था, IR2। तो अगर हम KVL लगाएं तो ये वाली इक्वेशन बनती थी, फिर हमें उसमें से कॉमन लेके फिर हमें पता चल गया कि आर इक्वलेंस सीरीज में R1 + R2 के इक्वल होती है, और उसका जेनेरिक फार्मूला ये वाला है, ठीक है। इसी तरह हमने फिर पढ़ा वोल्टेज डिवीजन उसी में सीरीज में, तो उसके ये 2 फार्मूलाज थे। अगर V1 है तो ऊपर R1 होगा और नीचे सारी रेजिस्टेंस ऐड होगी, V2 है तो ऊपर उसी का ही R2 होगा और नीचे सारी रेजिस्टेंस ऐड होगी, और मल्टीप्लाई V के साथ होगा, मल्टीप्लाई V के साथ होगा। इसी तरह पैरेलल रेजिस्टर में हमने पढ़ा कि उसमें क्योंकि करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो ये देखें वोल्टेज सेम रहेगा, I की वैल्यू क्या होगी, करंट इंटरिंग KCL लगाएंगे, इसमें KCL लगा के हमें आर इक्वलेंस वाला ये चीज पता चल गई थी कि आर इक्वलेंस क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड हो रहे होते हैं, ठीक। और करंट डिवीजन हमने पढ़ी थी, करंट डिवीजन का ये फार्मूला था कि I1 इधर है तो R2 इधर आएगा, यानी I1 की R1 की जगह बाकी सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी। यहाँ क्योंकि 2 ही रजिस्टर हैं इसलिए सिर्फ एक ही ऊपर लिखी हुई है, यानी अगर R3 होता तो यहाँ R3 भी आना था, यानी R2 R3 I1 के लिए, और नीचे यहाँ +R3 आ जाना था। तो ये फार्मूले हमने अभी पढ़ भी लिए, समझ भी लिए। तो जो आज का मैसेज है वो यही है कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। इसकी असाइनमेंट जो है वो मैं 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगा, और आप लेक्चर रिवाइज कर लें। आज हमारा एक टॉपिक और रह गया, लेक्चर 2.4 होगा, 5 होगा, 5 होगा, लेक्चर 2.5 होगा, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद जो है हम चैप्टर 3 पे मूव करेंगे। चैप्टर 3 जो है मोस्ट प्रोबेबली ईद तक हमारा चलता रहेगा, तो ईद में जो है ईद तक जो है ना वो यही चैप्टर 3 तक आपका सिलेबस होगा। ईद के बाद हमारा, आप समझें कि मिड के बाद वाला सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, यानी ईद तक हमारा मिड का सिलेबस होगा, ईद के बाद मिड के बाद वाला सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी खुद को इनरोल किया है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई, खुद लेट इनरोल किया है वो असाइनमेंट की मैंने उन्हें बताया कि असाइनमेंट जिनको लेट हो गई है वो असाइनमेंट जब भी उनको समझ आती है खुद से वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। कॉपी चीटिंग वगैरह नहीं करनी, खुद ही असाइनमेंट्स करनी है, और आपने खुद ही असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जब भी डेडलाइन आपको जो दी जाती है उसको फॉलो किया करें, और जो आपको फॉर्मेट बताया CV में असाइनमेंट सेंड करने का उसी में करें, अगर उससे डिफरेंट होगा मैंने आपकी असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी, ईमेल मैंने डिलीट कर देनी है, क्योंकि मैं सबसे पहले देखता हूँ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही आपने वो सही नहीं लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया तो आपकी ईमेल डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो
तो सारी जो चीज़ें बातें बताता हूँ उनको फॉलो किया करें प्रॉपर। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।